हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज आरपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2018 के सिलेबस और साथ में इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एग्जाम है आपका 19 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो मोटा मोटी जो है आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका 19 दिसंबर से स्टार्ट होगा और अभी आप देखें करंट सिनेरियो तो आपके पास केवल एक महीना का टाइम है, यानी कि 1 मंथ का आपके पास टाइम है। अब इस 1 मंथ में आप कैसे क्रैक करें इस एग्जाम को, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि इस एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम होता है सेम इसका जो मार्किंग स्कीम है, अगर आप सही क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा, अगर आप गलत जवाब देते हैं यानी कि 3 अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से यानी कि नेगेटिव है इसमें और नेगेटिव का आपको खासा ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर ग्रुप डी या ALP की बात करें तो वहां स्टूडेंट्स ने बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे और नेगेटिव जो है उनके इतने थे कि जिसकी वजह से उनका मार्क्स बहुत कम आया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव आपको कम करना है। इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन की बात करें तो केवल 90 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 आवर का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाए तो ये 120 है। ठीक है, तो 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन एक तरह से फिजिबल है, आप बना सकते हैं और ये शुरू से इसी पैटर्न पे आज तक क्वेश्चन आया है कि 120 क्वेश्चन 90 मिनट्स का टाइम आपको मिला है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको नवंबर के लास्ट वीक में आपको आ जाएगा, तो आप इस बात पे एक्टिव रहिएगा कि कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। अगर आएगा तो मैं आपको इस चैनल पे आपको नोटिस कर दूंगा। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और चलिए हम जल्दी से सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है जीके का यानी कि जनरल अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 50 है। ठीक है, यानी कि 120 क्वेश्चन में आपके 50 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके जीके से हैं। तो यानी कि जीके पे आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्यों, और उसके बाद जो रिमेनिंग 70 क्वेश्चन आएंगे वो आपके मैथ से आएंगे और आपके रीजनिंग से आएंगे। ठीक है, तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। और आपके ज्यादा मार्क्स आपके मैथ और रीजनिंग से ही आएंगे, जहां पर आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ बनाना है और 70 में आपको कोशिश करना है कि 60 मार्क्स से प्लस में आपको मार्क्स लाना है। और यहां पर जो 50 मार्क्स है इस 50 में आपको इतना मेहनत करना है कि 30 प्लस में आपका स्कोर आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड यू, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स और जनरल साइंस। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान रखें तो जो लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और जो इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सिलेबस कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारे सिलेबस आपको एसएससी में भी है। और जो लोग अगर एसएससी का तैयारी नहीं करते हैं और सिर्फ आरपीएफ का जो एग्जाम अगर है उनका, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वो जो है इस सोर्स को पढ़ने के लिए आप या तो स्पीडी का इस्तेमाल करें, स्पीडी के बुक से पढ़ें, लुसेंट के बुक से पढ़ें और आपको 1 महीने के अंदर में इस सब चीज को अच्छे से पढ़ लेना है और आपको याद कर लेना है। ठीक है, साथ में करंट अफेयर्स का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज हो गया। उसके बाद अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप देखिए नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज हो गए, आपके इंटरेस्ट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए ये तो हो गए आपके मैथ्स के सिलेबस। जल्दी से अगर रीजनिंग की बात कर ले तो हालांकि रीजनिंग का जो सिलेबस है ये इसको अगर आप डिटेल में नहीं भी जाए, सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस सेट्स भी बनाते हैं या प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अगर आप उसको ही सॉल्व कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए कि रीजनिंग में आपको 35 मार्क्स में से आपको 25 या 30 मार्क्स आपको इसके प्लस में आपको आ जाएंगे। जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। फिर भी आप देख लीजिए, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पैटिकल विजुअलाइजेशन, स्पैटिकल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। तो ये सारे चीज आपको हो गए। कुछ और भी हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड सिलोलॉजिक रीजनिंग। तो देखिए ये सारे चीज आपको रीजनिंग में हो गया। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के जो अगर ठीक है आप थोड़ा सा अगर वैकेंसीज की भी बात कर ले, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्रैक कैसे करना है। ठीक है,
अगर देखिए इस बार अच्छा खासा वैकेंसीज है, कांस्टेबल मेल के लिए आपको 4403 है, कांस्टेबल फीमेल के लिए 4216 है, सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 819 है और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 301 है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 9739 है। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हो गया आपके सिलेबस के बारे में। अब देखिए कि आप क्योंकि आपके पास एक महीने का टाइम है, ठीक है, एक महीने का टाइम है, और जो लोग अभी तक सीरियस नहीं थे मैं उनको बोलना चाहूंगा कि एकदम 100% आप अपना दीजिए, सीरियस हो जाइए। सबसे पहले बात अगर मैथ्स की करें तो देखिए मैथ्स में ये सारे चैप्टर को अगर आप सिलेबस के वाइज अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं और अगर थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो इतने कम टाइम में इस सारे चीज को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, अब उस पर कमांड करना, ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो पॉसिबल है। लेकिन फिर भी इसमें क्या होगा कि नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, ये जितने सारे आप चैप्टर देख रहे हैं तो आप सबसे पहले तो अर्थमेटिक का जो मेन मेन चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर है। इन सारे चैप्टर का अगर आप बात करें तो मैं इस चैनल पे आपको मात्र ओनली 30 questions आपको बताने वाला हूं, ठीक है, आपको विद कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। उस 30 questions को आप जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियो जब आएंगे तो आपको इस चीज का नोटिस मिलेगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं ओनली 30 questions, और ये सारे क्वेश्चंस इस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं एसएससी से रिलेटेड हूं तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं सारे क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करवा दूंगा आपके साथ, 30 questions, और यही 30 questions जितने भी चैप्टर्स हैं आपको, चाहे वो एवरेज के हों, चाहे वो इंटरेस्ट के हों, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के हों, जितने चैप्टर आप देख रहे हैं, कुछ एक दो चैप्टर अगर छोड़ दे, उस चैप्टर को छोड़ के 30 questions में से आप विश्वास मानिए कि अगर इसी 30 questions को अगर आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन मैथ्स में नहीं छूटने जा रहे हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं और एकदम डेफिनेटली लेता हूं। और इन सारे की जो पीडीएफ फाइल होंगे वो आपको टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वहां से भी आप पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें जीके की तो जीके में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि ये सारे चैप्टर देख रहे हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं कि जीके में अगर मैं बोलूं कि 30 questions या 50 questions इस तरीके से मैं अगर आपको बताऊंगा तो वही क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इस बात की कोई एश्योरिटी नहीं है, क्योंकि जीके आप भी जानते हैं कि कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन बहुत लोगों का कहना था कि उनका जो है मैथ्स जो है आरपीएफ के लिए उस लेवल पे तैयारी नहीं हो पाया है मैथ्स का, और कुछ चैप्टर रीजनिंग का, तो ये सारे चैप्टर्स तो मैं इस चैनल पर डेफिनेटली करा दूंगा, सारे चैप्टर, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गए तो 30 questions, उसी 30 questions के पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कि सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब उससे दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आप अगर उस पैटर्न के क्वेश्चंस को बनाए होंगे तो वहां पर आपको इजी हो जाएगा। तो इतने कम टाइम में इस चीज को क्रैक करने का बेस्ट उपाय यही है कि आप इस 30 questions को अटेंड कीजिए, उस वीडियो क्लासेस को, ज्यादा से ज्यादा कितना देर होगा, 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा या उससे भी कम का होगा, बस आपके इतना ही जाएंगे। और क्योंकि समय बहुत कम है तो एक काम होगा कि मॉर्निंग में 30 questions, और अगर होगा तो नाइट में आपको 30 questions आपको इसके जो वीडियो है मैं यहां पर डाल दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और जो लोग एसएससी का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए तो ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पहले से ही क्लियर है, तो वो लोग अगर इस पर कम फोकस करें और जीके पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा बात होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग उस चीज का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस तरीके से इस चीज को करें। और रीजनिंग के जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर से मैं उठाने वाला हूं क्वेश्चंस को, जितने भी प्रीवियस ईयर से जो जो मेन मेन चैप्टर्स होंगे, जो आपको जिसमें डाउट होगा आप कमेंट में आप कर दीजिएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम है, मैं स्पेशली उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैथ पे 3 hours आपको देना है, रीजनिंग पे 1 hour देना है, और जीके पे आपको 2 से लेकर 3 hours आपको देना है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। बाकी साथ में आपको जो चीज का भी तैयारी करना है साथ में आप करते रहिए, चाहे वो एसएससी का तैयारी करे तो करे या बैंक का तैयारी करे तो करे। हालांकि गुड लक ये है कि एसएससी का जो पैटर्न है और जो इसका पैटर्न है वो दोनों सेम होगा, और ये बात विश्वास मानिए कि अगर आप उस लेवल पे होंगे आपके सामने कॉम्पिटिटर बहुत होंगे, क्योंकि इस वक्त कोई ज्यादा एग्जाम उस पैटर्न का नहीं है, तो मे बी आपको ज्यादा फेस करना पड़ जाए कॉम्पिटिशन को, तो उससे भी आप चूकिएगा मत, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, और जहां तक हो सके, जहां तक भी हेल्प करने की बात होगी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके पूरी तरीके से हेल्प करूंगा।
ठीक है। तो आप एक सबसे पहला तो काम कीजिएगा, इस 30 क्वेश्चन को कल से ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं टाइम एंड वर्क से। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर के 30 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम यह है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम के लिंक को आप क्लिक करके आप वहां पे SSC क्रैकर से होगा, आप वहां पर उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी SSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अभी फिलहाल इसी चीज पे ज्यादा वर्क करना जरूरी है, और क्योंकि मैथ्स के तो सेम ही चीज है तो वहां हो जाएंगे। एडिशनल में इंग्लिश के जो होंगे आपको PDF वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।